हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ओ के पंजीय अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के आधार एवं छात्र संगठन की संरचना नियमों के आधार पर राजकीय महाविद्यालय चंबा में भी सत्र 2024-25 के लिए मनोनयन आधारित महाविद्यालय केंद्र छात्र परिषद का गठन किया गया है। इस संघ में अकादमिक, सांस्कृतिक, क्रीडात्मक, क्लब, सोसाइटी व अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों में मेरिट उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर नामांकन किया गया है। आज उक्त 42 सदस्यीय महाविद्यालय केंद्रीय छात्र परिषद के परिषद सदस्यों का पद एवं गोपनीयता की औपचारिक शपथ दिलाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मदन गुलेरिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सर्वप्रथम प्रोफेसर परविंदर कुमार ने डॉक्टर मदन गुलेरिया को बैच लगाकर सम्मानित किया। उसके पश्चात महाविद्यालय केंद्रीय छात्र परिषद सलाहकार समिति के सदस्यों प्रोफेसर प्रवीण कुमार, डॉक्टर मनीष वर्मा, प्रोफेसर अविनाश, प्रोफेसर सचिन मेहरा व प्रोफेसर नवनीत ठाकुर को भी बैच लगाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद नवगठित परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई और बैच लगाकर सम्मानित किया गया। उक्त जानकारी देते हुए महाविद्यालय केंद्रीय छात्र परिषद सलाहकार समिति के सदस्य प्रोफेसर अविनाश ने कहा कि नवनिर्वाचित एवं नवगठित राजकीय महाविद्यालय चंबा महाविद्यालय केंद्रीय छात्र परिषद के प्रधान पद पर ज्योति, उप प्रधान पद पर दिव्यांशी धीमान, महासचिव के पद पर चिंतन, संयुक्त सचिव पद पर रिया ठाकुर, विभिन्न स्नातक कक्षाओं BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BVOC से कक्षा प्रतिनिधियों व नामांकित सदस्यों में आयुषी वर्मा, प्रज्वल धीमान, तमन्ना ठाकुर, नंदिनी महकुमारी, सुनील कुमार, कृतांजलि ठाकुर, अन्वेषा मेहता, दिशा कुमारी, पुष्कर पुंगा, आरती शर्मा, देवेंद्र कुमार, शीतल कुमारी, नमिता, अभिषेक विज, अबू, अलीशा, स्नातकोत्तर कक्षाओं MA और PGDCA से कृति शर्मा, प्रियंका कुमारी, चांदनी, नेहा कुमारी, मीनाक्षी, काजल, नेहा कुमारी, विनीता, खुशी, NSS से पिंकू और चुना लोन, रोवर रेंजर्स से रवि भारद्वाज व काजल, NCC से कार्तिक व हसन, बीवी खेलकूद से मोहित और मोनिका, क्लब सोसाइटी से वर्षा, सलीमा व जितेंद्र, सांस्कृतिक से अनमोल व गोरिथी को चुना गया। अध्यापन के कारण आज मुझे दूसरी बार CSE कमेटी का प्रेसिडेंट चुना गया। भले ही CSE कमेटी का गठन अकेडमिक आधार पर किया जाता है, किंतु हमारे प्राध्यापकों द्वारा हमारी ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं और हम भी उन्हीं प्रयासों से निकले हैं। मैं आपको मंच के माध्यम से बताना चाहूंगी कि पिछले वर्ष में हमारी CSE कमेटी द्वारा महाविद्यालय की समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश की गई, जिसमें महाविद्यालय के छात्रों की अनेक समस्याएं शामिल थी, इनमें से प्रमुखता लाइब्रेरी में किताबों की समस्या, सफाई व्यवस्था, प्राध्यापकों की महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालयों में डेपुटेशन के कारण पढ़ाई में दिक्कतों की समस्या, PG कोर्सेज में सीटें बढ़ाने की समस्या, PG बिल्डिंग में क्लासेस। थोड़ा टाइम पहले मैंने ज्वाइन किया है, 9 तारीख को ज्वाइन किया था, बीच में मैं छुट्टी पे रहा हूँ। जितनी भी मेरी अभी तक इंटरेक्शन हुई है बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ, मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं, बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक अच्छा माहौल यहाँ बना के रखा है। टीचर भी एक से बढ़कर एक बड़ी खूबियां हैं सभी में, और मुझे लग रहा है कि ये चंबा जो है वो बाकी कॉलेजेस में फ्रंट रनर है हर एंगल से। जैसे हमारे चमन जी एक बार बात कर रहे थे मीटिंग में कि हर जगह चंबा का एग्जांपल दिया जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ काम का पता चल रहा है कितने सिस्टेमैटिक। अविनाश जी हमारे जिन्होंने अभी स्टेज कितने सिस्टेमैटिक कंडक्ट कर रहे हैं,
और ये स्पेस ही नहीं, आप सभी जानते हैं काम में कितने सिस्टमेटिक हैं, हर काम देरी नहीं लगती है, हर स्टाफ मेंबर जिसको भी मैं, क्योंकि हम परिवार है हमारा एक, और परिवार में मिलके हम कैसे इस कॉलेज को जो अपने आप पहले एक अच्छे लेवल पे है उसे आगे क्या करना है। हमारे स्टाफ सेक्रेटरी हैं संतोष जी, बहुत अच्छे, इनकी वर्किंग बहुत अच्छी है स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में। मैडम जयश्री हैं, अभी बाकियों से जियोलॉजी के हमारे बड़ी जॉब छोड़ के आए हैं, मुझे पता चला है। बड़ा इनका बड़ा, किसी को कभी कुछ लगे कि उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत ठीक नहीं है तो मुझे बता सकता है, उसमें करेक्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल गलती भी कर सकता है। किसी को किसी भी चीज की, बड़े आराम से हमने मिलके काम करना है, विदाउट टेंशन काम करना है, पर काम अच्छा करना है। माई क्वालिटी ऑफ वर्क इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुझे लाइन बड़ी अपील करती है। माई वैल्यूज आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई टाइम इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम अपना भी ध्यान रखेंगे, बाकियों का ध्यान रखेंगे, तो एक अच्छा वातावरण बनेगा, और उसका एक अच्छे नागरिक बनना है, एक अच्छे इंसान बनना है, पढ़ना ही नहीं है सिर्फ। और उसके बाद एक और इनिशिएटिव मैंने मेरे दिमाग में है और उस पर काम शुरू हो गया है, पीजी वाले बच्चों के साथ हम इंटरेक्शन करके, जैसे हिस्ट्री है इधर, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, और पांचवा पॉलिटिकल साइंस है, बच्चों को इन्वॉल्व करके कुछ बेसिक सा हम, मैंने कहा है कि कुछ बेसिक बनाएं जो कंपटीशन में काम आने वाली चीजें, जो हम आपस में ग्रुप में शेयर करें।